पीछे शांत हो जाइए एक बार। सॉरी जी, आप बोलिए ना, इनको शांत हो जाए पीछे। पीछे बोलो ना, फैन बंद कर दो। तमाम मीडिया बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। साथियों, आज महानगर पालिका के अलग अलग शहरों का परिणाम आपके सामने है। आम आदमी पार्टी पहली बार स्थानीय चुनाव गुजरात के अंदर लड़ी और मैं गुजरात की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। पूरा गुजरात प्रदेश की आम आदमी पार्टी की स्थानीय इकाई की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि गुजरात की जनता ने एक नई उम्मीद पूरे गुजरात को दिखाई है। जैसा कि आपने देखा कि सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली और कांग्रेस को वहां पर 0 सीट मिली और बीजेपी कांग्रेस का जो फ्रेंडली मैच पिछले 25 साल से गुजरात में चल रहा था उसकी पोल गुजरात की जनता ने खोली और एक बहुत बड़े नंबर के साथ जिस प्रदेश में एक छोटी सी पार्टी का कोई सरपंच भी नहीं था लेकिन गुजरात की जनता ने किस तरह से भरपूर प्यार देकर सर आंखों पर आम आदमी पार्टी को बैठाया, इसके लिए मैं गुजरात की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ में अन्य महानगर पालिकाओं की अगर हम बात करें, कई सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है और वोट शेयर, अभी वोटों की काउंटिंग चल रही है, वोट शेयर आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा मिला है। शाम तक वो आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे, उसको हम आपके सामने एक दो दिन में रखेंगे। तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट, जहां पर कई राजनीतिक पंडित ये कहते थे कि यहां पर कोई अन्य दल चलता नहीं है, लेकिन आज के परिणामों से तय हो गया कि कांग्रेस 2015 के चुनाव में जिन आंकड़ों पर कांग्रेस खड़ी थी उन आंकड़ों से भी नीचे कांग्रेस को आना पड़ा है और कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों ने विपक्ष के तौर पर, एक उम्मीद के तौर पर आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। मैं गुजरात की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि सूरत महानगर पालिका में जो विपक्ष में बैठने की आपने जिम्मेवारी दी है, निश्चित तौर पर 2022 का जो चुनाव अगले 20 महीने बाद होने जा रहा है, आपको आम आदमी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखेगी और सदन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की पोल खोलते हुए संघर्ष करते हुए आपको आम आदमी पार्टी नज़र आएगी। चाहे वो प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ाने के मुद्दे को लेकर सड़कों पर संघर्ष करना हो, चाहे वो बिजली के जो बिल है, जो दाम है, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की बात हो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लाठी भी खाएगा, डंडे भी खाएगा, जेल भी जाएगा, लेकिन अब एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी गुजरात के लिए, गुजरात के मुद्दों के लिए लड़ती हुई आपको नज़र आएगी। साथ में गुजरात की जनता ने जिस तरह से अपना भरपूर स्नेह और प्रेम दिखाया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल 26 तारीख को सुबह सूरत के अंदर एक रोड शो के माध्यम से गुजरात की तमाम जनता को धन्यवाद करने के लिए भी वो सूरत पहुंच रहे हैं। 26 तारीख को सुबह करीबन 10 बजे उनका रोड शो जो है वो सूरत में रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत मन है कि मैं गुजरात की जनता को आभार कहूं कि इतनी छोटी सी पार्टी को इतने बड़े नंबर के साथ आपने शुरुआत करी है और एक अच्छी राजनीतिक, ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने के लिए वो तमाम गुजरात के लोगों का धन्यवाद करने के लिए 26 फरवरी को आपके बीच में आ रहे हैं। हमारे बीच में हमारे साथी जयदीप पांड्या जी हैं, सचिव हैं जो कि प्रदेश में, हमारे बीच में हसमुख भाई पटेल हैं जो कि हमारे संगठन मंत्री हैं,
शिव कुमार उपाध्याय जी हैं जो कि हमारे अहमदाबाद जोन के प्रभारी हैं, तुली बैनर्जी जी हैं जो कि हमारी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं गुजरात प्रदेश में। तो मैं अभी चाहूँगा कि आपके सामने जयदीप पांड्या जी जरूर अपनी दो बात रखें, इस जीत के ऊपर बधाई संदेश जरूर दें गुजरात के लोगों के लिए। અહીંયા આવેલા તમામ મીડિયા મિત્રોનો હૃદયપૂર્વક આમ આદમી પાર્ટી વતી હું જયદીપ પંડ્યા આપનો આભાર માનું છું। આ સાથે જ ગુજરાતના ચાર છ મહાનગરપાલિકાઓની જનતાને જેમણે આમ આદમી પાર્ટીને એક મોકો આપી પરિવર્તન અને રાજનીતિ બદલાવવા માટે જે મોકો આપ્યો છે તે બદલ અમારા પક્ષ પ્રમુખ શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, ઉપપ્રમુખ શ્રી ભેમાભાઈ ચૌધરી અને તમામ આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત વતી સમગ્ર ગુજરાતની જનતાનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। મને આશા છે કે અમારી પાર્ટી ગુજરાતની જનતાએ જે ભરોસો આમ આદમી પાર્ટીમાં મૂકી સુરતમાં જે આટલી મોટી સફળતા અને આટલી મોટી સીટ આપીને જવાબદારી અમારા ખભે મૂકી છે એનું અમે જવાબદારીપૂર્વક વહન કરીશું અને આવનાર વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં ગુજરાતની પ્રજાને એક સારા વિકલ્પ તરીકે, એક સારી રાજનૈતિક પાર્ટી તરીકે ઊભા કરવાની ગેરંટી આપી સાથે આપ સૌનો ફરીથી આભાર માનું છું। ઓકે, થેન્ક યુ। જી ભાજપા કે પ્રદેશ પ્રમુખ કે ગઢ મે આપને સૂર્યોદય કિયા હૈ કિસ પ્રકાર સે ભવારછા મે પાટીદાર જો ઇલાકા હૈ ઉસમે સબસે જ્યાદા આપ પાર્ટી કો સીધે મિલે કિસ તરહ સે देखिए, सीआर पाटिल जी जो कि प्रदेश प्रमुख भी है भारतीय जनता पार्टी के और लगातार वहाँ से सांसद भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विजय रूपाणी जी और सीआर पाटिल और इनके तमाम नेताओं ने, कई सारे विधायकों ने एक जो घमंड की भाषा का इस्तेमाल किया था इस चुनाव के दौरान, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की जो है जमानत जब्त होगी इस चुनाव के अंदर। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है वो आम आदमी है। आम आदमी के पास एक वोट का अधिकार इस लोकतंत्र में मिला है और वो अपने वोट के माध्यम से तय करता कि किसकी जमानतें तय हो जब्त होगी और किसको सहरा मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी तो ये शुरुआत है, 28 तारीख को ग्रामीण क्षेत्र का रिजल्ट भी आपके सामने होगा। हमारे प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया जी जो कि उनका होम ग्राउंड है सूरत और गुजरात के अंदर एक युवा के तौर पर उन्होंने जो काम किया है, साथ में हमारे जो संगठन मंत्री वहाँ पर मनोज सोरठिया हैं जिन्होंने एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, किस तरह से पूरी टीम को वो साथ लेकर चले, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले, तमाम हमारे संगठन मंत्री चाहे वो राजकोट में अजीत लोखिल जी हों, चाहे वो अर्जुन राठवा जी हों, रमेश नाभानी जी हो, निमिषा बैन हो, हसमुख भाई हो, तमाम हमारे साथियों ने दिन रात मेहनत की है और आने वाले चुनाव के अंदर ये एक शुरुआत हम समझते हैं और इस परिणाम को बहुत पॉजिटिव वे में आम आदमी पार्टी लेगी और एक बेहतर रणनीति बनाकर सड़क पर संघर्ष करते हुए आगामी चुनाव की तैयारी में हम जुटेंगे। गुलाब जी, ये भोपाल इटालिया जो कि पाटीदार आंदोलन एक आंदोलनकारी तरीके उभर के आया है, तो क्या पाटीदार की वजह से आप सूरत में बैठे ऐसा कह सकते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि गोपाल इटालिया जो है एक क्रांतिकारी साथी है, पाटीदार आंदोलन से निकले हुए साथी हैं, तपकर निकले हुए साथी हैं, संघर्षशील हैं, बहुत बहुत मेहनती हैं और अगर आप देखेंगे कि पूरा गुजरात के अंदर जहाँ पर सीआर पाटिल या विजय रूपाणी जी की सभाओं में 500-700 लोग आते हैं, वहाँ पर गोपाल इटालिया जी अगर कहीं पर भी सभा करते हैं तो बहुत बड़ी गैदरिंग उनकी सभाओं में हो रही है और वो न सिर्फ सूरत में नहीं है, अभी वो दो दिन पहले सौराष्ट्र के अंदर अमरेली में और कई जगह गए थे, मेहसाणा गए थे, कितना भारी जनसैलाब उनकी सभाओं में आ रहा है। तो पाटीदार समाज के साथ साथ में तमाम समाज ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, एक भारी संख्या में आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, तो मैं समस्त गुजरात के लोगों का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।